हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप फोटो एल्बम क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी आपके पास अलग अलग फोटोज़ है और अगर प्रोफेशनल लुकिंग जो एल्बम है आप उसको क्रिएट करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। उस जो भी आपको आपके फोटोज़ है उसको डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपका बेसिकली फ़ोटो का जो एल्बम का डिज़ाइन क्रिएट करना है, उसमें फ़ोटो देना है और ऑटोमेटिकली वो आपका फ़ोटो एल्बम रेडी हो जाएगा, वो आप उसको प्रिंट के लिए दे सकते हो। तो ये बहुत ही स्मॉल स्टेप में आप कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हो कि साइट का नाम जो मैंने अभी ओपन कर लिया है वो है विस्टा प्रिंट। तो विस्टा प्रिंट डॉट इन करके जो साइट है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि लेबल प्रिंटिंग है, स्टिकर प्रिंटिंग है, क्लोथिंग, बैग्स, मग्स, गिफ्ट्स, ओके, अभी कोविड के चलते फेस मास्क और बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको ऑल प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अभी हमारा इंटरेस्ट है फ़ोटो एल्बम में। तो फ़ोटो एल्बम के लिए हमको क्या सर्च करना है, लेट्स से हम डायरेक्टली फ़ोटो बुक सर्च कर सकते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऑप्शन कहाँ पर हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला ऑप्शन है फ़ोटो फ्लिप बुक एंड दूसरा ऑप्शन है फ़ोटो एल्बम। तो उस यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो एल्बम का जो स्टार्टिंग रेंज है वो 750 रुपीज़ है अराउंड। तो आपके उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे साइज़ मिल जाएंगे, जैसे स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लार्ज है, एक्सेल है, ठीक है, और उसके बाद लार्ज मीडियम बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट में देखिए, जैसे कि ये लैंडस्केप मोड है, ये पोर्ट्रेट मोड है, ये स्क्वायर मोड है, और ये उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे स्क्वायर मोड में भी। उसमें भी तीन साइज़ है, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। उसका पूरा की पूरा डायमेंशन दिया हुआ है 30x30, 21x21 और 14x14। तो हमारा इंटरेस्ट जो भी हम एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट, लेट्स से दिस एल्बम करेंगे, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डाउनलोड एडिटर और डाउनलोड और डिज़ाइन ऑनलाइन। तो जैसे ही डाउनलोड एडिटर करोगे तो आप मीन्स वो एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में आपको पूरा फैसिलिट करेगा कि आपको कैसे अपना फोटो एल्बम है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो फोटोग्राफर जो भी करता है वो भी आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो और उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है, उसको फोटोज़ को अलाइन करने रहते हैं, थोड़ा एडिटिंग करना रहता है, ठीक है, और आपको जो बैकग्राउंड फोटो उसमें भी आपको सब कुछ एडिटर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें सब कुछ दिखाई देगा कि कैसा वो विजिबल होगा, कैसे कर सकते हो, वो सब आपको दिखाई देगा। तो आप ये भी कर सकते हो डाउनलोड एडिटर और डिज़ाइन ऑनलाइन। तो अभी हमको कुछ डाउनलोड नहीं करना है लेट्स से, और हम डिज़ाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आएगा यहाँ पर और आपका लेट्स से वो दिखाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कि यूज़ स्मार्ट असिस्टेंस करना है, स्टे एंड एम्प्टी बुक। तो स्मार्ट जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक द बेस्ट फोटो फॉर मी है, तो वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा वाइट मार्जिन करना है या फिर फुल मार्जिन। अभी आप कुछ वैसे वाइट मार्जिन अगर आप देते हो थोड़ा अच्छा लुक आता है, क्योंकि वो थोड़ा स्पेस रहता है जिसकी वजह से आपको अच्छा लुक आएगा, क्योंकि हम जो भी है कॉलेज बना रहे हैं, लाइक उस मल्टीपल फोटोज हम कर रहे थे, इसलिए आपको ये बेटर रहेगा। अगर आप पूरा की पूरा प्रिंट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, फुल पेज भी कर सकते हो, तो आपके सिलेक्शन के ऊपर वो है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टली ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा एड 24 फोटोज़। तो यहाँ पे आप जैसे ही फ़ोटो ऐड करोगे तो उसके बाद क्रिएट बुक का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। तो क्रिएट बुक का ऑप्शन इनेबल होने के बाद अभी मैं डायरेक्टली कुछ फ़ोटोज़ डमी फ़ोटोज़ मैंने ऐड किए हुए यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ टू फ्रंट बैक, उसको बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे, ये फ़ोटो कहाँ पर क्या करना है, देखो जूम है, जूम आउट है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फ्लिप का ऑप्शन है, स्वैप का ऑप्शन है, डिलीट, सब कुछ यहाँ पे आपको। फोटोज लेआउट, तो आप दूसरा कुछ लेआउट सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको लेआउट भी दूसरे सारे लेआउट यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड फोटोज अगर कुछ बैकग्राउंड में रखना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट करके। आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन चाहिए जैसे कि यहाँ पर, तो वो आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आप ऐड कर सकते हो। फ्रेम्स चाहिए, कुछ फ्रेम्स आपको देना है फोटो के बैकग्राउंड में जो अच्छा लुक दे। मास्क है, तो अलग अलग मास्क आप दे सकते हो, उसके ऊपर आपका फोटो आ जाएगा।
तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप फोटो ऐड करोगे और उसके बाद उसका लुक कैसे आएगा वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो हमने ऐसे रखे हैं, तो उसकी जगह पे आपको वो डिलीट करके कुछ नया क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो इंसर्ट पेज कर सकते हो यहाँ पर, जैसे आप इंसर्ट पेज करोगे तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कितना फोटोज चार्ज, उसके हिसाब से आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे वेरी हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको फोटोग्राफर को कुछ बोलने का भी ज़रूरत नहीं कि मेरे को ये ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत नहीं। आप अपने हिसाब से खुद डिज़ाइन कर सकते हो और आप फोटो को भी सेट कर सकते हो, कैसे फोटो रखना है कैसे दिखेगा। आपको रिव्यू करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, फोटोग्राफर आपको दिखाएगा चलो मैंने ऐसे किया है, तो वो फिर से एडिट करेगा, फिर से आप देखोगे, तो बहुत ही इटरेशन होते हैं। उसके जगह पे आप खुद R&D करके, आप खुद अपना टाइम स्पेंड करके खुद डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है 1240 है। ठीक है, तो ये अच्छे प्राइस में मैं तो बोलूँगा आपको मिल जाएगा। ये इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है जो कि दूसरे फोटोग्राफर चार्ज करते हैं, उससे कम ही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वाला उससे कम प्राइस में लेट से आपको जाना है तो आप दूसरे डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि फ़ोटो कवर आपको कौन सा चाहिए, जैसे कि फ़ोटो आपका जो फ़ोटो कवर चाहिए जैसे मेन पेज पे भी फ़ोटो हो ऐसा चाहिए, या फिर रेगुलर कवर जहाँ पे आपको ब्लैक कलर या जो भी कलर का जो मेन पेज है वो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो उसका प्राइस थोड़ा कम रहेगा इसके मुकाबले, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है जो कि अच्छी बात है, तो मेरे हिसाब से आप वो भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे फोटोग्राफर भी ये यूज़ करते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपने हिसाब से अपना फोटो एल्बम बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, आप जो भी एल्बम है उसको सेव कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट एड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पेज एड करके बहुत सारा अच्छा फैसिलिटी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए आप अगर कुछ एल्बम बनाना चाहते हो इस पर ऑर्डर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन न्यू वीडियो, बाय बाय।